रितु चौधरी, स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आज का हमारा रिपोर्ट क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहले हम करंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करेंगे और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को, जो हमने कल स्टेट शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश, उसे कम्प्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री को आंसर आ जाते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर भी मिल जाते हैं कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है हमारे, अनुराग ठाकुर, और शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। पहले कौन थे शिक्षा मंत्री, इनसे पहले रमेश पोखरियाल जी। ठीक है, तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिटनेस एवं खेलों पर राष्ट्रीय स्तर के क्विज की शुरुआत की है। उस क्विज का नाम क्या है, उन्होंने जिस क्विज की शुरुआत की है उसका नाम है द फिट इंडिया क्विज। द फिट इंडिया क्विज की शुरुआत की है किन्होंने, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख ने किसे राज्य पक्षी व राज्य पशु घोषित किया। जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ उसके बाद लद्दाख ने अपने राज्य पशु और राज्य पक्षी को घोषित किया है, तो कौन सा है, राज्य पक्षी तो है काली गर्दन वाला सारस और राज्य पशु है हिम तेंदुआ। याद रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, कि लद्दाख ने किसे राज्य पक्षी व राज्य पशु घोषित किया, तो राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस और राज्य पशु है हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, जे बी महापात्र को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे आप। ठीक है, इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन लोगों को प्रदान किया गया, तो किन किन लोगों को प्रदान किया गया, एक तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी को प्रदान किया गया, जो कहाँ से है, बांग्लादेश से है। एक मोहम्मद अमजद साकिब को प्रदान किया गया। ठीक है, फिर ये कहाँ से है, पाकिस्तान से है। फिर रॉबर्टो बेलोन को प्रदान किया गया, ये फिलीपींस से है। स्टीवन मंसी को प्रदान किया गया, ये अमेरिका से है। और वॉच डॉक को प्रदान किया गया, ये इंडोनेशिया से है। सबसे पहले है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, क्या मिला इन्हें, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, एक तो है डॉक्टर फिरदौस कादरी बांग्लादेश से है, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान से है, रॉबर्टो बेलोन फिलीपींस से है, स्टीवन मंसी अमेरिका से है और वॉच डॉक इंडोनेशिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्र वो खाद्य आपातकाल की घोषणा की, किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा एवं संकट के चलते किस आपातकाल की, खाद्य आपातकाल की घोषणा की, तो किस देश के राष्ट्रपति ने की, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व नारियल दिवस के रूप में 2 सितंबर को मनाया गया और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, सैयद अली शाह गिलानी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो क्या थे, अलगाववादी हुर्रियत नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया, 25 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगा दिया, एक्सिस बैंक पर। किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, क्यों, KYC नियमों का पालन में ढिलाई करने पर, उन्होंने KYC के नियमों का पालन नहीं किया अच्छे से, इसलिए रिजर्व बैंक ने उन पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर पे, किस जाने माने पत्रकार पायोनियर के एडिटर इन चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, किस जाने माने पत्रकार पायोनियर के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर एवं पूर्व राज्यसभा सांसद का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, चंदन मित्रा क्या है, पायोनियर के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर है और पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, उनका क्या हो गया, निधन हो गया चंदन मित्रा का। नेक्स्ट क्या है, कि किसने दुनिया का पहला प्लांट बेस
प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, किसने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर विकसित किया? तो किसने किया? आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ ने दुनिया का यानी विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, ठीक है, जो प्यूरीफायर किससे किसके द्वारा चलेगा? प्लांट्स के द्वारा। ये तो हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिटनेस एवं खेलों पर राष्ट्रीय स्तर के क्विज की शुरुआत की है, उस क्विज का नाम उन्होंने क्या रखा है? द फिट इंडिया क्विज रखा है, द फिट इंडिया क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख ने किसे राज्य पक्षी व राज्य पशु घोषित किया है? तो किसे किया है? काली गर्दन वाले सारस को तो किया है उन्होंने राज्य पक्षी घोषित, और हिम तेंदुआ को किया है राज्य पशु घोषित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो किसे को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन किन लोगों को दिया? डॉक्टर फिरदौसी कादरी को दिया, जो बांग्लादेश से है, मोहम्मद अमजद साकिब को दिया, जो पाकिस्तान से है, रॉबर्टो बेलोन को मिला, जो फिलीपींस से है, स्टीवन मंसी को मिला, जो अमेरिका से है, और वॉचडॉग को मिला, जो इंडोनेशिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की? तो किस देश के राष्ट्रपति ने की? श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। 2 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सैयद अली शाह गिलानी जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों के पालन न करने पर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया? तो एक्सिस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया। किस रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन अच्छे से नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जाने माने पत्रकार पायोनियर के एडिटर एवं एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर और क्या है पूर्व राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? उनका नाम क्या है? चंदन मित्रा। पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर तो कौन सा है? वो आईआईटी रोपड़ ने विश्व का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर क्या किया? विकसित किया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये तो हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश को हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया? नदियों तक पढ़ लिया था कि अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूंगी पूरे अरुणाचल प्रदेश का। अभी आगे का पढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बांध पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख बांध कौन से स्थित है? तो सब जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक तो सुबनसिरी बांध है जो सुबनसिरी नदी पर ही स्थित है। सुबनसिरी बांध किस पे है? सुबनसिरी नदी पर ही है। और एक रंगनाड़ी बांध है जो रंगनाड़ नदी पर स्थित है। रंगनाड़ नदी पर बना हुआ है। कौन सा? रंगनाड़ी बांध सुबनसिरी नदी पर बना हुआ है, सुबनसिरी बांध, ठीक है। सुबनसिरी नदी पर बना हुआ है सुबनसिरी बांध, रंगनाड़ नदी पर बना हुआ है रंगनाड़ी बांध। अब उसके बाद याद प्रसिद्ध हवाई अड्डे है, एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश के, कौन कौन से है? क्योंकि हवाई अड्डे भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला क्या है? पासीघाट हवाई अड्डा, इम्पोर्टेंट ही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, क्योंकि इतना कहाँ तक याद रखेंगे, जो एग्जाम्स में जिनके आने की उम्मीद है वही तो याद रखेंगे ना। तो कौन सा है? पासीघाट हवाई अड्डा है, डेपोरिजो हवाई अड्डा है, दो इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे है, ठीक है। जो कौन कौन से है? पासीघाट हवाई अड्डा, डेपोरिजो हवाई अड्डा। इसके बाद आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं? तो कौन कौन से मनाए जाते हैं? सोलुंग लोसार फेस्टिवल, याद रखेंगे सोलुंग लोसार फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, सोलुंग लोसार फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल और बोरी बूट फेस्टिवल। जीरो फेस्टिवल और बोरी बूट फेस्टिवल कौन कौन से प्रमुख फेस्टिवल है? सोलुंग लोसार फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल, बोरी बूट फेस्टिवल। प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो दफला, कौन कौन सी करती है? एक तो दफला, एक करती है खमपटी,
एक मिसमी, एक नागा और एक सिंभू। कौन कौन सी जनजातियाँ है? दफला है, खम्पटी है, मिसमी है, नागा है, सिंभू है, जो कहाँ पे निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है ये जनजातियाँ। अब आता है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कांटो है। कांटो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आता है कि GI टैग किसे मिला है? पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क? तो सबसे पहले आता है नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा आता है मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। इसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व कौन कौन से है? तो नामदफा, ये मैंने आपको हर स्टेट में मैं यही बोलती हूँ कि बस आपको याद होना चाहिए नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। उन्हीं के नाम पर टाइगर रिजर्व हो, उन्हीं के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य हो, उन्हीं के नाम पर नेशनल पार्क हो, उन्हीं के नाम पर झील हो, नदियां हो, तो वो हमें याद रहेगी कि ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? नामदफा टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व है और पाके टाइगर। के बाद आ जाते हैं झरने। झरने कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के? सबसे पहला है जंग जलप्रपात, दूसरा है नुरांग जलप्रपात, जंग जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद आते हैं दर्रे। प्रमुख दर्रे कौन कौन से माने गए हैं अरुणाचल प्रदेश के? जो प्रमुख दर्रे हैं अगर उनके नाम पूछे जाए तो हम क्या बताएंगे? डिफर पास, दिहार दंगा, डिफर पास यानी डिफर दंगा दर्रा, दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा। सेकंड है कुमजा गवंग दर्रा, दिहांग दर्रा, डिफर दर्रा, कुमजा गवंग दर्रा, बोमडिला दर्रा, चेकन फोक्स यांग याय दर्रा, बोमडिला दर्रा, कुमजा गवंग दर्रा, डिफर दर्रा और दिहांग दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं याद रखेंगे? डिफर, दिहांग, कमजा गवंग, बोमडिला, चेकन पोक्स, यांग याय दर्रा। ठीक है, चेकन पोक्स, यांग याय, ये एक ही दर्रे का नाम है। इसके बाद आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से प्रमुख है? तो कौन कौन से है? केन वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा है मेहाओ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन कौन से है? केन, कमलांग, ईगल नेस्ट, मेहाओ। चार प्रमुख क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। अरुणाचल प्रदेश में मैंने नदियों तक आपको करा दिए थे। उसके बाद है बांध। बांध कौन सी नदियों पर स्थित है ये भी देख लेंगे। सुबानसिरी बांध सुबनसिरी नदी पर है, रंगनाड़ी बांध रंगनाड़ नदी पर है। हवाई अड्डे कौन कौन से है? हवाई अड्डा है फेस्टिवल है, ड्री फेस्टिवल है, जीरो फेस्टिवल है, बोरीबूट फेस्टिवल है। जनजातियाँ है दफला, खम्पटी, मिसमी, नागा, सिंगपो। सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? कांटो। GI टैग किसे मिला है? अरुणाचल वाक्रो नारंगी को मिला है। विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया है? नामदफा नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से है? नामदफा नेशनल पार्क है, मोलिंग नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व कौन कौन से है? नामदफा, कमलांग, पाके। झरने कौन कौन से है? जंग जलप्रपात, नुरांग जलप्रपात, बाप टैंग कांग जलप्रपात। दर्रे कौन कौन से है? डिफर, दिहांग, कमजा गवंग, ये चार चुका है। मतलब अरुणाचल प्रदेश राज्य से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, क्योंकि मैंने एक एक चीज को नोट डाउन करा दिया है और एग्जाम्स में इन्हीं से पूछा जाता है। और तो आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हुई तो पूछेंगे ना। तो कल की क्लास में और आज की क्लास में ये अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं अरुणाचल प्रदेश का पूरा रिवीजन बोल बोल के आपको कराती रहूँगी और इसे आप नोट करते रहिए। ठीक है, आप नोट करते रहिए।
ठीक है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। शुरू जो हमने कल की क्लास ली थी, एक बार उसका भी रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा कि अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, इसके अन्य नाम क्या है। तो शुरुआत करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, ठीक है। सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, और क्या कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। उसके बाद वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग कहा जाता है, सूर्योदय की भूमि तो मैंने आपको बता ही दिया, आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कि ये कितने राज्यों से और किसके साथ सीमा, किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो दक्षिण में असम के साथ, असम और नागालैंड के साथ, और पूर्व में बर्मा के साथ यानी म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, उत्तर में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। वो है क्या बात, क्या अरुणाचल प्रदेश इसकी राजधानी कौन सी है, प्रदेश ये था, तो 21 जनवरी 1972 फिलहाल में कौन है, बीडी मिश्रा है, और पहले राज्यपाल कौन थे, वो थे भीष्म। और अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, जिले भी यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ, शायद मैंने जिले छोड़ दिए थे, जिले हैं 25 जिले भी है, कितने जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में, 25 जिले हैं, ठीक है। इसके बाद आती है वो संसद है, वो सॉरी विधान, वहाँ पे कौन सी, कितने सदन हैं, एक सदनात्मक या द्वि सदनात्मक, तो एक सदनात्मक है, विधायिका है, विधायिका में एक सदना, विधायिका कैसी है वहाँ पे, एक सदनात्मक है, और उसमें कितने विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, एक सीट है, लोकसभा में दो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि फूल कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा राजकीय फूल माना जाता है, तो फॉक्सटेल आर्किड माना जाता है। कौन सा राजकीय वृक्ष माना जाता है, होलोंग माना जाता है। भाषा कौन सी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। पशु कौन सा माना जाता है, मिथुन बोला जाता है। पक्षी कौन सा माना जाता है, ग्रेट हॉर्नबिल माना जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, और आगे का यहाँ पे मैंने आपको नोट डाउन किया, आई होप आपने नोट डाउन होगा, उतार लिया होगा, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बारिश भी आ चुकी है, बहुत तेज बार से आपको बारिश की आवाज़, क्लास कंप्लीट ही हो चुकी है। 10 क्वेश्चंस मैं डेली करंट के लेके आती हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल छांट छांट के उठा रखे, आप कहीं से भी किसी भी क्लास में मैच कर लेना कि ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैंने कई क्लासों में लेके, मैं आज कराती हूँ वो लोग कल कराते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस में लेके आती हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है, क्या कर सकती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि जो हमेशा आप साथ देती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप पढ़े लिखे हो, आप कामयाब, सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, बस ये बात गांठ बांध लो, और बस एक बार मेहनत कर लो, जी जान से मेहनत कर लो, उसके बाद सारी जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेटल हो जाओगे। तो आपके लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, लेकिन आप नहीं करते, तो ठीक है, धन्यवाद।